बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ इज़ दाऊद नवाज़। आई एम सर्विंग बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एज अ विजिटिंग लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई एम टीचिंग द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी इन क्लास मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPA सेकेंड इवनिंग प्रोग्राम। होपफुली स्टूडेंट्स, आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 17 है, हम उसमें डिस्कस करते हैं प्लानिंग इन पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान में जो है वो पब्लिक पॉलिसी के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाती है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं पहले, कि उसके बाद फिर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे और जो है डिफेक्ट्स देख लेंगे कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। हिस्ट्री की बात करें तो प्लानिंग जो है वो एक इसको बड़ा कंपलसरी पार्ट समझा जाता है, जो है ज़रूरी जो है पार्ट समझा जाता है डेवलपमेंट का। ठीक है ना, और प्लानिंग जो है वो किसी भी मुल्क के लिए, प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है वो उस मुल्क के लिए जो है रीढ़ की हड्डी की जो है अहमियत रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है, इम्पोर्टेंस लाइक एज अ बैकबोन फॉर एनी कंट्री। क्योंकि जब तक आपकी प्लानिंग ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपकी पॉलिसी कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो इसीलिए जो है वो प्लानिंग जो है वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है फॉर द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास जो है वायबल मशीनरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन, कि पाकिस्तान के पास जो है बड़ी एक ज़बरदस्त जो है पॉलिटिकल मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है। ठीक है ना, जो कि प्रिपरेशन जो कि प्लानिंग की प्रिपरेशन करते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन करती है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान मशीनरी हैज़ विटनेस रेडिकल चेंजेस सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर हम 1948 की बात करें तो पाकिस्तान ने जो है इस्टेब्लिश किया था डेवलपमेंट बोर्ड, और 1952 में जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया था डेवलपमेंट बोर्ड से प्लानिंग बोर्ड, और 1958 में जो है इसको दोबारा चेंज किया गया और उसको सेटअप किया गया, और इसका जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ प्लानिंग बोर्ड वाज रेज्ड टू प्लानिंग कमीशन विद द प्रेजिडेंट एज इट हेड। तो इसको जो है प्लानिंग बोर्ड बना दिया गया था और इसका जो हेड था प्रेसिडेंट जो है उसको प्लानिंग कमीशन का जो है वो हेड बना दिया, इसको जो है प्लानिंग बोर्ड से सॉरी प्लानिंग कमीशन बना दिया गया और इसका जो हेड था वो प्रेसिडेंट को बना दिया गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1948 में जो है डेवलपमेंट बोर्ड बना, 1952 में इसको चेंज करके प्लानिंग बोर्ड बनाया, और 1958 में इसको चेंज करके प्लानिंग कमीशन बना दिया गया और उसका हेड जो है प्रेसिडेंट को बना दिया गया। इसी तरह से जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है उसने रिड्यूस किया था इसके स्टेटस को, और इट और ही प्लेस्ड इट अंडर द हेडशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इसका जो स्टेटस था कि प्रेसिडेंट इसका हेड होगा, उसको चेंज करके उसने जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हेडशिप दे दी। और इसी के साथ जो ज़िया का जब इरा आया तो ज़िया ने क्या किया कि उसने इसके स्टेटस को रेज किया डिवीज़न लेवल पर, और इसको फेडरल मिनिस्ट्री जो है उसने कहा कि इसको फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो कंट्रोल करेगी, यानी कि फेडरल मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उसने, ज़िया ने जो है इसको इस चीज़ का नाम दे दिया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 27 ईयर्स द प्लानिंग प्रोसेस हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये बहुत बड़ा पीरियड है कि जो है 27 ईयर्स कि प्लानिंग प्रोसेस जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रहा है। इसी के साथ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन एट सेंट्रल लेवल, एज वेल एज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट बोर्ड एट प्रोविंशनल लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड और ज़िला कौंसिल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ये सारे जो हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है वो प्लानिंग कमीशन जो है वो सेंट्रल लेवल पर आ जाएगा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे आ जाएगा, इसी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट और ज़िला कौंसिल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगी। तो जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो है वो फाइनेंशियल और पब्लिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि रिसर्च स्टडीज़ करता है स्टेट पॉलिसीज डेवलपमेंट के इनिशिएटिव के बारे में, जो है उसकी ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम जो है उसकी जो नेशनल इकॉनमी की जो ग्रोथ है उसको देखता है, और पब्लिक और स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री का उसको देखता है, किसकी कोलैबोरेशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कोलैबोरेशन के साथ।
ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो है ये प्रिपेयर करता है नेशनल प्लान फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और ये जो है असेसमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नेशनल रिसोर्सेज जो है उसको भी साथ साथ बनाता है। अगर हम जो है प्रोविंशनल लेवल की बात करें तो प्रोविंशनल लेवल पे जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं तमाम डिपार्टमेंट्स की और एजेंसीज़ की, वो जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है या बोर्ड जो है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है, और तमाम डिपार्टमेंट जो है वो एक ड्राफ्ट जो है प्लानिंग का वो प्रिपेयर करते हैं किसके अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो कि उनको सेंड की जा रही होती हैं, और ठीक है जो को उनको बताई जा रही होती हैं, और वो उसको बनाने के बाद जो है उस ड्राफ्ट को चेंजिंग करने के बाद, उसको प्रिपेयर करने के बाद उसको सेंड कर देते हैं, सेंड टू द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, PND डिपार्टमेंट भी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं। अगर फर्दर देखें तो जो है जब ये सारा हो जाता है इसके बाद जो है अप्रूवल दी जाती है, और अप्रूवल के बाद जो है इस ड्राफ्ट को प्लानिंग एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवा दिया जाता है फॉर द वेटिंग एंड फाइनल अप्रूवल, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें मेरा बेटा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है या जो ज़िला कौंसिल लेवल पे जो है कोऑर्डिनेट करते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो के वो डिस्ट्रिक्ट जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो आती हैं उनको उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जा रहा होता है। इसी के साथ साथ फाइनलाइज किया जा रहा होता है किसको, स्कीम्स को, जो मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स हैं रूरल एरियाज़ के लिए या अर्बन एरियाज़ के लिए, मुख्तलिफ किस्म की जो स्कीम्स होती हैं उनको फाइनलाइज किया जा रहा होता है, ठीक है। और ये जो है प्रोविंशियल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या बोर्ड जो है उसको भिजवा दिया जाता है उन स्कीम्स को, ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ में स्कीम्स बनती हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें बनती हैं, तो उनको जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को या बोर्ड को भिजवा दिया जाता है, और वो बोर्ड जो है इसको फाइनल अप्रूवल जो है उसकी करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हिस्ट्री और स्ट्रक्चर हो गया था प्लानिंग जो है प्लानिंग इन पाकिस्तान का, ठीक है। अगर हम इसकी डिफेक्ट्स की बात करें, डिफेक्ट्स ऑफ प्लानिंग की, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट्स हैं लाइक लेक ऑफ बेसिक डेटा। अब बेसिक डेटा का कैसा है कि जैसे नेचुरल ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्स जो है प्रोवाइडेड टू प्लानिंग मशीनरी इज़ मोस्टली इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल, तो यानी कि बड़ी क्लियर सी बात है कि मोस्टली डेटा यानी कि बेसिक डेटा जो कि नेचुरल रिसोर्स पे या ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स पे प्रोवाइड किया जा रहा होता है प्लानिंग मशीनरी को, वो मोस्टली बेटा इनएक्यूरेट या अनरिलायबल होता है, जो जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म के एरर पैदा होते हैं, और उन एरर्स की वजह से हमारे जो है प्लानिंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं। इसी के साथ साथ लेक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, तो जो पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं वो अक्सर जो है वो मिसट्रस्ट शो करते हुए कोऑपरेट नहीं करते प्लानिंग मशीनरी के साथ, जो हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है उसके जो पूरी एक मशीनरी है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जब भी कोई इस तरह की कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपरली जो है हमारे लोगों का एक जो है रोल नहीं होता, और वो अपनी ट्रस्ट शो करके एक अच्छा एक रिस्पांस नहीं दे रहे होते, तो एक पुअर या आप कह सकते हो कि लेक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन हो जाती है। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है हमारे पाकिस्तान में आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सियासी जो है इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं कि हमारी जो प्लानिंग है वो बड़ी इनफेक्टिव है, बड़ी पुअर प्लानिंग हो जाती है, बड़ी पुअर हो जाती है, वीक हो जाती है, और ये भी जो है बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो एक तरफ रह जाती है पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से। तो फॉरेन असिस्टेंस की बात करें तो फॉरेन असिस्टेंस ऑलवेज प्ले अ नेगेटिव रोल इन द प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट सेल्फ सफिशेंट एंड इट हैज़ टू डिपेंड अपॉन द फॉरेन असिस्टेंस, ठीक है ना। इसी के साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, तो नेचुरल जो कैलामिटीज़ हैं इसने भी जो है नेगेटिव रोल जो है अपना प्ले किया है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे पाकिस्तान के, बिकॉज फ्लड्स हो गए, अर्थक्विक हो गया या लोकस स्टॉम्स हो गए, इन्होंने हमारी इकॉनमी को बैडली हिट किया है। अगर हम इसकी बात करें जो अभी नौज बिला ये जो हमारे पास जो आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा इशू ये आया है, 5 महीने हो गए कोरोना का,
तो इसकी वजह से भी जो है हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा जो है वो सफ़र हुआ है, और हमारा प्लानिंग जो है इसमें प्लानिंग जो हमने पॉलिसी मेकिंग है उसमें बड़ा जो है इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का लेक्चर जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला खैर। अल्लाह हाफिज़।